नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल बहुत ही डिलीशियस मिठाई लेके आई हूँ। बिना गैस चलाए आज हम फटाफट इसे 10 मिनट में बना के रेडी करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है ये। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओरियो बिस्किट। 2 पैकेट मैं ओरियो बिस्किट का यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। ये वनीला फ्लेवर वाली जो आती है ना बिस्किट, बस वही वाला मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे। बहुत इजी है इसे बनाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। ये देखिए ओरियो बिस्किट है। इसमें डालने के लिए और इंग्रेडिएंट्स हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश मलाई, जो हमारे दूध के ऊपर मलाई बैठ जाती है ना, बस वही वाला ले रही हूँ। और उसे आधा कप दूध में अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अगर आपके घर पे मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप दूध में थोड़ा सा बटर मिक्स कर दें। यहाँ पे मैं 2 चम्मच दूध में केसर डाल के रख दी हूँ। हल्का गुनगुना दूध कर ली थी ताकि केसर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं यहाँ पे खसखस यानी कि जो पॉपी सीड होती है ना, उसका यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं हल्का सा रोस्ट कर ली हूँ 1 मिनट तक। मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, तो 2 चम्मच मैं डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बना देगा इस मिठाई को। थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट्स भी ले ली हूँ चॉप करके। ये रफली चॉप करके मैं काजू और बादाम ले ली हूँ। आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो बस इन इंग्रेडिएंट के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड कलर का यूज़ करने वाली हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट को इस तरह से ओपन करेंगे, और ऊपर वाला जो लेयर है ना बिस्किट का, इसे एक बाउल में रखेंगे। इस तरह से एक बाउल में इसे रख दें, और जो बीच में जो क्रीम होती है ना, उसे हम चाकू की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे निकालेंगे। बहुत इजी है इसे निकालना। तो इसे हम एक नेक्स्ट बाउल में रख लेंगे। दूसरे बाउल में रख ली हूँ। इसी तरह मैं सारे बिस्किट्स को ओपन कर दूंगी, और इसके ऊपर वाले लेयर को मैं एक साइड रख लूंगी और क्रीम को मैं दूसरे साइड रख लूंगी। अब इसे हम, ये देखिए ये बिल्कुल सारा क्रीम अलग अलग हो चुका है इसका, केवल ये चॉकलेट बचा है और ये क्रीम है। अब हम ये जो ऊपर वाला लेयर था ना बिस्किट का, इसे हम तोड़ लेंगे अपने हाथों से, रफली तोड़ लेंगे ताकि ये इजली ग्राइंड हो सके, पाउडर बन सके। तो ये देखिए बहुत जल्दी ये पाउडर बनके रेडी हो चुका है, और ये हमारी क्रीम। तो बस अब इन दोनों से हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस मिठाई। तो सबसे पहले हम जो आउटर लेयर बनाने वाले हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, ये जो मलाई वाली दूध थी ना, ये ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ आप दूध पूरा नहीं डालें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें इसमें, और इसे अच्छे से आप मिक्स करते रहें। इसे हमें डो बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाना है इसका। इस तरह से अब अपने हाथों से आप मिक्स कर सकते हैं। देखिए मैं अपने हाथ से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो जाए। बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए ये डो बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं फटाफट हैंड वॉश कर लेती हूँ अब। और ये देखिए ये डो बन के हमारी रेडी हो चुकी है। कितनी शाइनिंग वाली डो बन के रेडी हुई है ना चॉकलेट की। तो अब इसे हम रख देंगे साइड में। तो चलिए अब फटाफट इसे रख देते हैं साइड में। अब ये क्रीम, अब इसका जो अंदर वाला फिलिंग है ना, वो बना के हम रेडी करेंगे। तो ये क्रीम जो है ना, अब इसमें एक एक करके हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, जो हमने लिया था ना 2 चम्मच, बस वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप करके लिया था, वो भी मैं यहाँ पे डालती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा डाल दूंगी केसर वाला दूध। बहुत ज़्यादा आप नहीं डालें, नहीं तो ये गीला हो सकता है। अब यहाँ पे फूड कलर मैं ऐड करूंगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस थोड़ा सा लुक इसका अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड करूंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर यहाँ पर डाल देती हूँ, येलो कलर का। ये आप पे डिपेंड करता है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए पिंच ऑफ फूड कलर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया इसके फिलिंग का। तो हमारे दोनों बन के रेडी हो चुके हैं, आउटर और इनर कवर दोनों बन के रेडी हो चुके हैं।
अब इसे बहुत आसान है बनाना, बिल्कुल आप लास्ट तक ज़रूर देखें इसे। तो मैं यहाँ पे जो चॉकलेट वाला जो था ना डो, उसे मैं इस तरह से फ्लैट कर दूंगी सिल्वर फॉयल पेपर पे, जो आता है ना लंच पैक करने वाला, बस वही मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप बटर पेपर से भी कर सकते हैं। अब मैं एक और सिल्वर फॉयल लूँगी और इसके ऊपर से रख दूंगी और हल्के हाथों से उसे थोड़ा सा बेलन से बेल लूँगी। अभी इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लें इस तरह से, और अब मैं इसे हल्के हाथों से बेलन से बेल लूँगी ताकि ये थोड़ा सा स्प्रेड कर जाए। बहुत प्रेस करके इसे बेलें नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन से आप बेलें इसे इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा हल्के हाथों से इसके ऊपर आप फ्लैट कर दें ताकि ये जो ऐसे उठा उठा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए इस तरह से। अब मैं ये जो सिल्वर फॉयल ऊपर वाली लेयर है ना, इसे हटा दूंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे हटा दें। ये देखिए, ये हमारी लेयर बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ फिलिंग, जो हमने बनाई थी ना फिलिंग क्रीम से, बस वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी। अब इसे फोल्ड करने का थोड़ा सा ट्रिक है, बस इसे ध्यान से आप देखें। अब बस हमें सिल्वर फॉयल उठा के इसे हल्के हाथ से फोल्ड करना है। बहुत इजी है, बट बिल्कुल ध्यान से आप देखें, बिल्कुल इस तरह से इसे फोल्ड कर दें, थोड़ा सा प्रेस कर दें, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद हम सिल्वर फॉयल को ऊपर से निकाल लेंगे इस तरह से, हल्के हाथों से करें, बहुत सॉफ्ट सा होता है ये। अब हम वापस इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इसे इस तरह से फ्लैटन करेंगे। एक बार और हम इसे फोल्ड करेंगे, सिल्वर फॉयल ऊपर से उठा लें, वापस इसे फोल्ड कर लें। तो ये देखिए, ये हमारी जो रोल है ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे अच्छे से फ्लैट कर दें आप साइड से भी और रोल कर दें। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम है ना तो इसे आधे घंटे के लिए रख दें आप फ्रिज में सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे निकालेंगे और कट करेंगे, उसके बाद हमारी मिठाई बनकर रेडी हो गई। बहुत इजी है इसे बनाना। तो देखिए, हो चुका 10 मिनट, अब मैं इसे निकाल ली हूँ। अब सिल्वर फॉयल से इसे पहले निकाल लेते हैं फटाक से, बहुत इजी है। ये देखिए, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसे मैं डाल दूंगी जो हमने ड्राई रोस्ट किया था ना खसखस पॉपी सीड, उसमें थोड़ा सा इसे ना इस तरह से ना, ये देखिए, इसके ऊपर इस तरह से कोट कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे लुक बहुत अच्छा आ जाता है, थोड़ा क्रंचीनेस भी आ जाता है। अब इसके साइड्स वाले को थोड़ा सा हटा लेती हूँ मैं काट के, ताकि शेप बहुत अच्छा सा आ जाए। इस तरह से मैं इसे कट कर ली हूँ। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना ये मिठाई। और अब आप इसे निकाल लें किसी भी सर्विंग प्लेट में, और जब आप अपने गेस्ट के सामने इसको रखेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना ईजी वे में ये बन जाता है मिठाई, है ना बहुत आसान। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें ये मिठाई आपको कैसी लगी, और इस दिवाली ज़रूर बनाएं इस मिठाई को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ ज़रूर कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।